हाय, कैसे हो आप सब? आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको कोल्ड कोको। मैं वो चीज़ बनाना सिखाती हूँ जो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता है ये इजी है। और अगर आप घर पे बनाओगे तो ये चीज़ बिगड़ेगी नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है, हम नई नई रेसिपी ट्राई करते हैं और वो बिगड़ जाती है, तो हमारी हमारा सामान है वो भी खराब होता है और हमारा मूड भी खराब होता है। और ऐसा लगता है उससे अच्छा हम बाहर से लेके ले लिया होता तो अच्छा होगा। और ये जो भी रेसिपी, अगर जैसे कि छोटा सा बच्चा यानी 12-13 साल का भी बनाएगा तो भी उसको बनाना आएगा, इस तरह से ये रेसिपी है। तो चलो मैं आपको ये कोल्ड को बनाना सिखाती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कोल्ड कोको बनाने की विधि। मैंने जो लिया है 500 ग्राम मिल्क लिया है। आप जो भी मिल्क लो वो ज़्यादा फैट वाला लो, जैसे कि हमारा यहाँ गोल्ड आता है तो जो गोल्ड है ज़्यादा फैट वाला मिल्क है वो लो और उसको गरम करो गैस के ऊपर। और ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा मिलाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि वो जो थोड़ा जैसे ये दूध में आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो, कभी भी आप कॉर्नफ्लोर आप यूज़ करो तो आप ऐसे पानी या मिल्क के अंदर उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो मैंने ये पूरा ऐसे अच्छी तरह से हिला के कॉर्नफ्लोर लिया है, तो जैसे ये थोड़ा सा पतला हो जाए। जैसे ये डाइल्यूट हो गया है, अच्छी तरह से घुल मिल गया है पानी के साथ, तो आप इसको जैसे ये जो उबला हुआ दूध है, दूध को उबालना पड़ता है। उबले हुए दूध में ये जो कॉर्नफ्लोर है, जैसे देखो ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। अगर आपको थोड़ा सा, एक बात और है कि अगर आपको थोड़ा सा कोको थिक चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर ले सकते हो। अभी ये जो डाइल्यूट हो गया है उसको मैंने जो पहले से जो दूध उबला हुआ है उसके अंदर हम धीरे धीरे डालेंगे, धीरे धीरे डालने का, जिससे कि वो गड्ढे गड्ढे ना हो जाए मिल्क के अंदर। और एक चीज़ है, आप कोको बनाओ तो इसको हिलाना पड़ता है, आप हिलाते ही रहो उसको, जब तक कोको बने नहीं तब तक चम्मच को रुकना नहीं है, उसको हिलाते रहना है। जैसे क्या होगा कि वो अच्छा सा घुल मिल जाएगा और उसकी थिकनेस भी अच्छी तरह से रहेगी। और आपको ये 5 मैक्सिमम 10 मिनट होता है, वैसे 5 मिनट में तो ये हो ही जाता है। मैंने ये कोको बनाया है वो 5 मिनट। और शुगर ऐड करो अपनी टेस्ट के हिसाब से, आप इसमें शुगर डाल दो। और मैंने साथ में लिया है कोको पाउडर है, कोको पाउडर भी 2 टेबल स्पून 2 चम्मच मैंने लिया है, वो भी कोको पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा आप ले सकते हो। उसको भी अच्छी तरह से मिला लेना है पानी के अंदर या दूध के अंदर, जैसे ये इस तरह से मिल जाए। उसके बाद जो हमारा जो गैस के ऊपर जो कोको तैयार हो रहा है उसके अंदर आपको कोको पाउडर भी डाल देना है। उसको भी इसी तरह से आप मिलाते रहो अच्छी तरह से, और चम्मच को रुकाना नहीं है जब तक 5 मिनट तक, जब तक आपका कोको बनता रहे तब तक आपको उसको हिलाते ही रहना है। ये अच्छी तरह से देखो मिल गया है, दिख भी रहा है, बहुत अच्छा है। ये हमारा कोको तैयार है सिर्फ 5 मिनट में। आप इसको रूम टेम्परेचर में थोड़े थोड़ी देर के लिए रखना है, 20-25 मिनट, उसके बाद आप उसको रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए रख दो। ओके फ्रेंड, बाय बाय। आप ये घर पे ट्राई करना, ये बहुत बढ़िया रेसिपी है और अच्छी भी बनेगी और कोई भी चीज़ खराब नहीं होगा। आप पहले थोड़ा थोड़ा लेके बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर आपको एक बार रेसिपी आ गई तो आप कितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हैं। ओके बाय बाय। आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ऐसे अलग अलग वीडियो लेके आती रहूँगी
और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मेरा ट्रैवलिंग भी मैं ट्रैवलिंग का भी व्लॉग है, फूड का भी है, और मैं मार्केट भी दिखाती हूँ आपको। तो हम फिर मिलेंगे एक अलग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।